फरुखाबाद में एक शराबी पति ने नशे में अपनी पत्नी की ईंट से सर कुचलकर हत्या कर दी। नशेड़ी पति पत्नी को मारकर घर से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के टाउन हॉल काशीराम कॉलोनी निवासी गंगाराम जाटव शराब पीने का आदी है। गंगाराम शराब पीकर पत्नी के साथ हर रोज मारपीट करता था। रोज रोज शराब पीने से पत्नी परेशान थी, विरोध करती थी। गुरुवार देर शाम शराब पीकर पति घर पहुंचा तो उसने मना किया तो विवाद शुरू हो गया। गुस्साए पति ने रीना को पीटना शुरू कर दिया। आक्रोशित पति ने पत्नी को बेरहमी से पीट दिया। मारते हुए मकान से बाहर ले आया, बाहर बनी नाली में रीना को गिरा दिया। वहां भी उसने पत्नी को पीटना बंद नहीं किया। इस दौरान आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। कुछ देर में पहुंचे उसके पुत्रों ने मां को छुड़ाया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। परिजन रीना को लेकर शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक जांच के दौरान ही चिकित्सक ने रीना को मृत घोषित कर दिया। क्या घटना हुई बेटा? दारू पीता था, दारू पी के घर में रोज लड़ाई लड़ते थे, रोज पुलिस थाना भी किया, फिर भी नहीं वो सुधरे। उन्हें अब तो मेरी माँ चीज। आपके पिताजी थे क्या? हाँ, गंगाराम बड़ुआ, मेरा पिता कैसे हो सकता, उसने मेरी माँ चीन ली। अब मैं भी नीची हो गई, मैं भी बच्चा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन करने में जुट गए। ये थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र अंतर्गत छोटी काशीराम कॉलोनी है, वहां पर सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसमें जानकारी हुई कि रीना पत्नी गंगाराम जिनकी उनके ही पति के द्वारा मारपीट करके उनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर जो बॉडी है वो रिकवर हुई है, उनका जो पति है वो अभी फरार है। पुलिस के द्वारा बॉडी को अपने कब्जे में लेकर अभी फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य इकट्ठे करे जा रहे हैं और आगे जो पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई अमल में लेंगे। क्या सर, क्या स्थानीय लोगों क्या कहना है, कुछ बातचीत है? स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो मृतका है, इनके जो पति हैं वो शराब पीने के आदि थे और डेली शराब पी के वो घर में लड़ाई झगड़ा करते थे। आज भी शराब पीने के विरोध में है, विरोध में उनके द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। कितने बजे लगभग सर घटना? लगभग ये करीब अभी होगा रफली 9:30 के आसपास की घटना है और अभी पुलिस ने बॉडी कब्जे में ले लिया है और जो इनका पति है उसकी भी तलाश में हमारी टीम अभी बाहर अभी दबिश दे रही है। तो संभवतः कोई तहरीर प्राप्त हुई? अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं, जैसे तहरीर प्राप्त होगी तो अभी पंजीकृत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार पति की तलाश में जुट गई है। पंजाब के सीटीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।